बात करते हैं अयोध्या की, जहां दर्जनों मंदिरों के सैकड़ों संत महंतों ने कोतवाली का घेराव किया है। नरसिंह मंदिर के पुजारी की गिरफ्तारी से संत नाराज हैं। संतों का दावा है मंदिर पर भूमाफियाओं की नजर है। कूट रचित घटना के अंतर्गत पुजारी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। संतों का आरोप है कि योगी सरकार में बदमाशों को बढ़ावा दे रही है। संतों का आरोप है कि अयोध्या कोतवाली की पुलिस योगी सरकार में बदमाशों को बढ़ावा दे रही है। राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने कहा कि करीब 20 दिन पहले ही पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलयन दास भी कोतवाली परिसर में मौजूद हैं। किलाधीश मैथिली रमन शरण मंगल भवन पीठाधीश्वर रविदास कृपालु जानकी घाट मंदिर के महंत जनमेजय शरण महंत शशिकांत दास महंत मिथिलेश नंदनी शरण समेत सैकड़ों की तादाद में कोतवाली का महंतों ने घेराव किया है। उनसे भी मेरी वार्ता हुई है, मैंने कहा इस तरह का एक अपराधी यहाँ शरण लिए हुए हैं और कभी भी कोई अपराधी जब करेगा अपनी ये घटना हो सकती है, जहाँ शांत माहौल चल रहा है शांत में बदल जाए, वही आज प्रगति दिख रही है। सामने तीन चार साधु बैठाए गए थे, वो भी आपके सामने बयान दिए, जो लोग वहाँ पुजारी है 10-12 वर्ष की उम्र में योगा कर रहे हैं, वहाँ के बाद का मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है, वो अपने को बता रहे हैं 90-100 वर्ष की मस्जिद नहीं है, उनसे कुछ कागजों पर दस्तखत करा लिए हैं लोग अपराधी लोग और उसी का उपयोग कर रहे हैं गलत तरीके से मंदिर पे कब्जा करने का प्रयास है। ये देवराम वेदांती जिनका नाम आ रहा है, ये कौन है और इनका? ये पूर्व में राम वल्लभा कुंज के महंत हुआ करते थे, 91 से लेकर 2000 तक महंत थे, 28 मार्च 2000 ये हटाए गए और तब से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लीन है। इनके बड़े गैंग हैं, इनके गैंग ने ही रविंद्र केडिया अपहरण किया जो कि धागा व्यवसायी था और इनका ही गैंग का एक पप्पू शूटर था जो कि यहीं अयोध्या सिंह नगर कॉलोनी रहने वाला था, एक अंगद यादव था, ये सारे अपराधी मारे गए। एक अभी श्याम जी शुक्ल है, रेवती रमन श्याम जी शुक्ल, वो हरिद्वार में जहाँ तहाँ वेश बदल कर अपराध करता है और बाहर घूमता है, तो ऐसे संगठित गिरोह के ये सरगना है और इन्हीं के द्वारा आपराधिक कृत बार बार हनुमान वाटिका पे कब्जा हो, चाहे राम वल्लभा कुंज पे कब्जा हो, कुछ छावनी के महाराज जी श्री कृष्णगोपाल दास जी महाराज जी पे बम के द्वारा 14 बम फेंका गया। 2001 में रामपड़ी पर जब महाराज जी स्नान के लिए जा रहे थे उसमें 5 शिष्यों सहित महाराज जी भी घायल हुए, उसका मुकदमा अभी पेंडिंग है। तो ऐसे अपराधी का अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो, यही अयोध्या का पूज्य संत समाज और जो भी लोग यहाँ पधारे हैं आप सभी भी जानते हैं कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो और अपराध का साथ देने वाला वो अपराधी ही माना जाएगा, तो वो वेश बदल कर केवल अपराध कर रहे हैं इसलिए उन पर लगाम लगना चाहिए। महाराज जी बमबाजी की बात आ रही है सामने, ये 3:30 बजे बता रहे हैं अभी नरसिंह मंदिर के जो पुजारी हैं राम शंकर दास, उन्होंने बताया कि हम सोए हुए थे और बम की आवाज़ आई तो अचानक हम जग करके उठे और घबराहट में हम कैसे क्या हुआ, फिर पुलिस लाई आगे जानकारी, पुलिस जांच पड़ताल। मांग क्या है हमारा जी? हम लोग मांग है कि जो लोगों ने ऐसा कृत्य किया है अयोध्या में शांति व्यवस्था भंग की है और इस तरह का लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो और वो गिरफ्तार करके जेल भेजे जाए, पुजारी की सुरक्षा की जाए, पुजारी वहाँ सुरक्षित रहे, महंत जी का मस्तिष्क नहीं सही है, कागज पर दस्तखत करवा लिए सादे और उसका प्रयोग कहीं भी गलत तरीके से भू माफिया लोग कर सकते हैं, तो ऐसे माफियाओं पर भी नकेल कसी जाए और अपराधी तत्वों को अयोध्या से बाहर जेल में भेजा जाए। धन्यवाद। कौन लोग थे? वो दिए धमकी हमको, देवराम दास वेदांती जी ने हमको धमकी दिया। कहाँ पर? वो हमारे मंदिर में दिए और CCTV कैमरे में उनका। कौन मंदिर? नरसिंह मंदिर में दिए धमकी हमको, तो मैं पीछे चला गया हट करके, रायगंज पुलिस चौकी पर नरसिंह मंदिर। सुबह 4 बजे धमाके की जो बात हो रही है वो क्या था? हाँ सुबह 4 बजे धमाके की बात है, 4 बजे नहीं 3 बज रहा था, उस समय 3:30 बज रहे थे, जब दरवाजा लोगों का खुला तो हम समझे कि हम लोग समझे कि ये लोग पूजा पाठ में जा रहे होंगे, नहाने धोने संत लोग उठ पड़े
लेकिन इतने में 10 मिनट के अंदर अंदर ये होता है कि धाम से हमारे बगल बगल कोई कुछ गिरता है तो उससे धुआं धुआं पूरे छत पर फैल जाता है जिससे हमको देख नहीं पाते। मैं केवल आवाज़ लगाता हूँ और आवाज़ लगाने से बाहर के लोग और मोहल्ला वाले और अंदर के लोग सब लोग हमको अपने सुरक्षा में ले लिए कि जिससे इन पर कोई कुछ होने ना पावे। फिर दूसरा फिर बम तलाक न गिरता है और वो तो कहो कि भगवान की कृपा थी कि जो मैं ऊपर चढ़ गया था नीचे। आपको चोट वोट दिया ये? हाँ, थोड़ा उंगली में हमको लगा है जिसका जैसे मैं ऐसे हाथ करके पड़ा था तो थोड़ा हमारी उंगली में। यहाँ आपको क्यों बैठाया गया है? यहाँ आपको क्यों बैठाया गया? कोतवाली में क्यों बैठाया गया? कोतवाली में हमको, हमारा नाम राम शंकर दास है और मैं वहाँ पर नरसिंह मंदिर में सन 2005 में जब बाबा को हमारे जहर खिलाया गया था मानता लेने के उससे महंत महाराज जी ने बुलाया था कि अपने ब्राह्मण का बालक हो कोई हमारे सेवा में रहे, तो हमारे पिताजी ने हमको लाके यहाँ पर कर दिया। मैं तब से यहाँ पर रहता हूँ 2007 से। आप 2007 से? हाँ, उस 2005 में हमारी 10 साल की उम्र थी, 2007 में हम 12 साल के हो गए, 12 साल में हम यहाँ गए। अब आपके साथ तो वो क्यों हटाना चाहते हैं? इसलिए कि ये लोग प्रलोभन बाबा को दे दिए और उसके बाद इतना दवाई ला के उनको क्या क्या खिला रहे हैं वो दिन भर गिड़गिड़ाए रहते हैं, उसके बाद प्रलोभन दे दिए। कोतवाली में कब से हैं? मैं कोतवाली में सुबह से हमको भी बैठा रखे हैं जब से इन लोगों को लेकर आए हैं। आपके ऊपर ही हमला हुआ और आपको ही? हाँ, रात में हमारे ऊपर हुआ क्योंकि हम ही इसके मुख्य वो हैं। कौन कौन लोग हैं आपके ऊपर हमला करने वाले? हमारे ऊपर हमला करने वाले तो मुख्य रूप से तेरह ये वेदांति जी के जितने शिष्य वहाँ पर थे और जितने बाहरी लोग 3-4 लोग हैं यही लोग हमारे ऊपर किए थे। वेदांति कब्जा कौन करना चाहता है, उनका क्या नाम है? कब्जा करना चाहते जय गोविंद पंडित हैं और उसके बाद फिर महेंद्र त्रिपाठी हैं, तधिवल त्रिपाठी हैं, उसके बाद फिर वो कृष्ण कुमार पांडे मालिक हैं, उसके बाद फिर ये रघुनाथ देशिक हैं ये और ये वेदांती जी इतने लोग। हमने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को हमने यहाँ पर हम पहले यहाँ पर एक बार एप्लीकेशन इनके यहाँ भी दिए हैं, उसके बाद रायगंज पुलिस चौकी में भी दिए हैं। ये 3 तारीख को मैं दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को मैं सूचना भी दिया कि ये बम कांड करने वाले हैं क्योंकि ये लोग एक दिन सलाह कर रहे थे कि इसके ऊपर कुछ फेंक दो मरमराया जाए और जिससे कुछ होगा नहीं, तो हम फोन भी किया, फोन हमारा यहाँ पर सबके पास आया था, सीओ के और इनके सबके पास।